दोस्तों नमस्कार, आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जितने भी वैक्सीनेटर सहायक वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, तभी दोस्तों कुछ समझ में आने वाला है। बरेली से खबर देख सकते हैं आप न्यूज़पेपर के कटिंग पीछे, और इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों, बीमा और कर्मचारियों के मासिक वेतन के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है उसमें। आइए पढ़ के आप लोगों को सुनाते हैं, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि आप लोग वीडियो की भावनाओं में खो जाते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो कैसे हैं वैक्सीनेटर सहायक भाइयों, आप सभी समय विजिट कर चुके हैं अमेठी ब्लॉग यूट्यूब चैनल, और दोस्तों आप इस समय वैक्सीनेटर सहायकों के बारे में जानकारियाँ ले रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं। तो चलिए टाइम न गवाते हुए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए ऐसी जानकारियां लेकर के आना सर्च करके बहुत ही ज़्यादा जो है मेहनत का काम होता है, और उसके बाद भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। तो वैक्सीनेटर सहायक भाइयों चलिए शुरू करते हैं। बरेली यावरा पशुपालन विभाग के वैक्सीनेटर व सहायकों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर बिथरी चौनपुर के विधायक को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि मासिक वेतन सरकारी कर्मचारियों के भात तथा सुरक्षा बीमा एवं पशुओं का डाटा फीडिंग के लिए लैपटॉप दिया जाए, और लैपटॉप तथा फीडिंग के लिए लैपटॉप तथा सुरक्षा बीमा की मांग किया। ज्ञापन देने वालों में टू यादव ओमपाल थान सिंह यादव, और उसके बाद अगर सत्यवीर सुरजान सिंह, संजीव कुमार, हरवीर सोनू, मणिराम विक्की पटेल, महिपाल सागर, गौरव सिंह, संत प्रकाश शर्मा, दारा सिंह आज सम्मिलित रहे। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बरेली के वैक्सीनेटर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, और सबसे ज़्यादा अगर कोई मांगे कर रहा है और सबसे ज़्यादा कोई सक्रिय होकर के काम कर रहा है तो वो वैक्सीनेटर सहायक हैं बरेली और अमरोहा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि इन लोगों की मांगे हैं, एक बार फिर से जो चौनपुर के विधायक हैं उनके पास सभी लोग गए और उनसे जो है मांगों को अपना रखा, ताकि विधायक जी उनकी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकें। अब जो भी जवाब आएगा मुख्यमंत्री जी का या कोई बड़े अधिकारी का, वो अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही।